हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल परमिशन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे SUID, सेट यूज़र आईडी परमिशन के बारे में। टोटल तीन स्पेशल परमिशन होती है लिनक्स में। सबसे पहले है SUID, सेट यूज़र आईडी। दूसरा है SGID, सेट ग्रुप आईडी। तीसरा है स्टिकी बिट। मैं आज आपको SUID परमिशन के बारे में बताऊँगा, बाकी दोनों के बारे में अगले वीडियो में बताऊँगा। तो SUID के बारे में समझते हैं। SUID का फुल फॉर्म है सेट यूज़र आईडी। ये परमिशन एग्जीक्यूटेबल फाइल पे सेट होती है। जब भी कोई यूज़र SUID परमिशन वाली फाइल को एग्जीक्यूट करता है, तो वो फाइल उसके ओनर, जिसने फाइल को क्रिएट किया है, उस यूज़र द्वारा एग्जीक्यूट होता है, ना कि उस यूज़र के द्वारा जो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। एग्जाम्पल, यहाँ पर आप PassWD फाइल के परमिशन देखो। आपको यूज़र के परमिशन में एक्स की जगह एस दिख रहा होगा। ये एस डोनेट करता है इस फाइल पे SUID परमिशन सेट है। जब भी कोई यूज़र PassWD कमांड को एग्जीक्यूट करेगा, तो वो रूट यूज़र द्वारा एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इसका ओनर रूट है। ये बात याद रखना। अगर किसी फाइल पे SUID परमिशन सेट करना है, तो वो हम chmod कमांड की हेल्प से कर सकते हैं। उसके लिए कमांड है chmod U+S फाइल नेम। chmod कमांड के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप वो देख सकते हो अगर आपको इसके बारे में और जानना है। तो थ्योरी पार्ट में इतना ही, प्रैक्टिकल पार्ट में आपका स्वागत है। मैंने आपको बताया था कि PassWD फाइल पे SUID परमिशन सेट है। मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो यूजर के परमिशन में एस है। इसका मतलब जो भी यूज़र इस वाले कमांड को एग्जीक्यूट करेगा, वो एज अ रूट यूज़र एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इसका ओनर रूट है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। PassWD, इस कमांड की हेल्प से हम यूज़र का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हो मुझसे कह रहा है चेंजिंग पासवर्ड फॉर नो नाइट करेंट पासवर्ड। ये जो होता है मुझसे पासवर्ड मांग रहा है अभी भी, तो इसका मतलब यूज़र रनिंग स्टेट में है। मैं जो होता है यहाँ पर दूसरे वाले टर्मिनल पर आऊँगा। यहाँ पे मैं कमांड रन करूँगा ps-aux pipe grep passwd। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे passwd कमांड है जो कि रूट यूज़र द्वारा एग्जीक्यूट हुआ है। इस वाले कमांड के बारे में मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊँगा, आप दिक्कत ना लो। तो ये जो था passwd जो कमांड है, वो रूट यूज़र द्वारा एग्जीक्यूट हुआ है, बल्कि इसको एग्जीक्यूट किया था नो नाइट ने। अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, मैं दोबारा से ये वाला कमांड रन करूँगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ से जो था PassWD हट गया है। मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप सभी को कैट कमांड के बारे में पता होगा, जिसकी हेल्प से हम फाइल के कंटेंट को रीड कर सकते हैं। बट हम उन्हीं फाइल को रीड कर सकते हैं जिसकी परमिशन हमारे पास होती है या उस यूज़र के पास होती है। अगर मैं शेडो फाइल को रीड करने जाता हूँ किसी भी नॉर्मल यूज़र से, तब जो होता है मैं उस वाले फाइल को रीड नहीं कर सकता। एग्जांपल, कैट etc शेडो। तो यहाँ पर जो होता है मुझे परमिशन डिनाइड आ रहा है, क्योंकि इस वाले फाइल को, शेडो फाइल को जो होता है सिर्फ रूट यूज़र ही रीड कर सकता है। अगर मैं किसी भी तरीके से कैट कमांड पर SUID परमिशन सेट कर देता हूँ जिसका ओनर रूट है, तो अब जो होता है मैं किसी भी फाइल को रीड कर सकता हूँ। यहाँ पर जो होता है मैं एज अ रूट यूज़र हूँ। अब जो होता है मैं कैट वाले कमांड पे SUID परमिशन सेट करूँगा, chmod U+S यूज़र बिन कैट एंटर ls-l। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कैट कमांड पे जो होता है मैंने SUID परमिशन सेट कर दी है। उसका ओनर कौन है? रूट। अब जो भी यूज़र इस कैट कमांड को रन करेगा, वो एज अ रूट यूज़र रन होगा, जिसकी हेल्प से मैं जो होता हूँ किसी भी फाइल को रीड कर सकता हूँ। एग्जाम्पल, मैं जो था पहले शेडो फाइल को रीड नहीं कर पा रहा था। अगर अब मैं शेडो फाइल को रीड करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसके कंटेंट को देख पा रहा हूँ। इसमें जो होता है यूज़र के पासवर्ड के बारे में डिटेल होता है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हो अगर आपको इसके बारे में और जानना है। तो आपको तो ये पता चल गया कि हम जो था SUID परमिशन कैसे सेट करते हैं। अब देखो कि परमिशन जो था कैसे हटानी होती है। जस्ट सिंपल, हमें जो होता है U-S करना होता है, देन फाइल नेम ls-l। यहाँ से जो होता है परमिशन हट गई है कैट के ऊपर से। अगर मैं दोबारा से फाइल को रीड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो होता है मुझे परमिशन डिनाइड आएगा।
इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देने वाला हूँ जो थोड़ा सा अलग होगा, इसलिए आप ध्यान से सुनना इसको। मैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में कैट को कॉपी करने वाला हूँ, ls-l। इसको जो था मैंने कॉपी किया है, इसलिए इसका यूज़र जो होता है नो नाइट है, क्योंकि अभी मैं एज अ नो नाइट लॉगिन हूँ, इसलिए इसका यूज़र नो नाइट है। इसको मैं किसी और में मूव कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनकैट, इस पर जो होता है अब मैं SCOD परमिशन सेट करने वाला हूँ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो एनकैट पे जो होता है SCOD परमिशन मैंने सेट कर दिया, जिसका यूज़र है नो नाइट। अब जो भी यूज़र इस वाले एनकैट की हेल्प से किसी फाइल को रीड करेगा वो एज अ नो नाइट यूज़र रीड होगा। मैं अब एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैं दूसरे टर्मिनल पे आ गया हूँ जिसका यूज़र है नन वन। यहाँ पर मैं आपको शो कर देता हूँ, यहाँ पर नन वन ls-l। अगर मैं कैट कमांड की हेल्प से इस चेक वाले फाइल को रीड करता हूँ तब मैं इस वाले फाइल को रीड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इसको सिर्फ यूज़र रीड कर सकता है जो है नो नाइट। कैट चेक, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आ रहा है परमिशन डिनाइड। अगर मैं nCat की हेल्प से इस चेक वाले फाइल को रीड करता हूँ तब मैं इसको रीड कर पाऊँगा। यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो था फाइल को रीड कर लिया है। अगर मैं इस nCat कमांड की हेल्प से किसी और यूज़र के फाइल को रीड करता हूँ तब जो होता है मैं इसको रीड नहीं कर पाऊँगा। एग्जांपल, अगर मैं फोर रीड फाइल को रीड करना चाहता हूँ इस nCat की हेल्प से तब मैं नहीं कर पाऊँगा। /nCat4read, यहाँ पर आप देख सकते हो ये मुझसे कह रहा है परमिशन डिनाइड। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तब आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।